नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो अलग व्यवस्थाओं पर चल रही है। खैर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति का मुख्य केंद्र भी है, क्योंकि अगर केंद्र की सत्ता को पाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी धमक को दिखाना होगा, जिसके लिए लगातार पार्टी संघर्ष भी कर रही है और अपने आप को दिखा रही है कि हम जनता के खासम खास हैं, हम जनता के हितैषी हैं, हम ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं और हम हर उस वर्ग के हितैषी हैं जिसको सरकार शोषित कर रही है। खैर, राजनीति है और आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहते हैं, वो तो भारतीय राजनीति की व्यवस्था हो चुकी है। पर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा आज का है वो ये है कि मदरसों पर सर्वे की बात कही गई थी, सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई और बड़ी संख्या में मदरसे अनाधिकृत रूप से चलते हुए मिले। इसके अलावा जो मदरसे हैं उनको लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह भी पाया गया कि तमाम मदरसे हैं वो बेहतर भी संचालित हो रहे हैं और तमाम मदरसों में कमी भी आई। खैर, सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसों की बात करें तो लगभग 560 हैं और अगर उत्तर प्रदेश से मदरसों की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा मदरसे चल रहे थे और तमाम मदरसों को यहाँ पर जो दिशा निर्देश भी दिए गए। और अब खबर महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसों के लिए एक अलग व्यवस्था लेके आई है और मदरसा बोर्ड में अब प्री प्राइमरी यानी कक्षा एक से कक्षा पाँच तक दीनी तालीम के अलावा यानी धार्मिक शिक्षा के अलावा आपको यहाँ पर एक अलग शिक्षा भी मिलेगी, यानी आपको NCERT का पाठ्यक्रम यानी आपको गणित, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। कारण ये कि जो दीनी शिक्षा लेते हैं बच्चे अमूमन देखा जाता है कि वो मौलवी बनते हैं, आलिम बनते हैं और उनका जो मानदेय होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है। जीविका को बेहतर करने के लिए, रोजगार परस्त शिक्षा देने के लिए और रोजगार से अधिक उनको साधन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएँ सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर मदरसा बोर्ड को लेकर आदेश भी दिया गया है कि अब ये पाठ्यक्रम इसमें शामिल होगा। हालांकि जिसके अगर चर्चा की बात करें तो 19 से चर्चा चल रही है, 20 में भी बात आई, 21 में भी बात आई। फिलहाल जो नया साल 2023 नई व्यवस्था लेके आया है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो एक और सनसनी है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आरक्षण को लेकर, जो OBC आरक्षण की बात चल रही थी निकाय चुनाव में, उसको लेकर लोकतंत्र बचाओ आरक्षण बचाओ अभियान की शुरुआत की है और जिसको लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और सब लोग उनको राहुल की यात्रा ही बता रहे हैं कि तमाम तरह की यात्राएं हमारे देश में निकाली गई, बदलाव भी हुए, जनाधार भी मिला। अब ये जनाधार कांग्रेस को मिलता है कि नहीं मिलता वो तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, एक बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मदरसे का बच्चा 1 से NCERT की किताबें पढ़ेगा, इसके लिए उसकी पहले तैयारी ठीक से हो सके। आजकल बच्चे छोटे उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, वैसे मदरसों में भी लगातार लोगों की ये ख्वाहिशें हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं उनके लिए भी कक्षाएं संचालित करने का हमें मौका मिले। मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में इसका पूरा सिलेबस बना करके मदरसे के बच्चों को भी शुरू से ही दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए और नर्सरी LKG UKG उसके बाद 1 से शुरू हो क्लासें जो है। आपको मेहमानों से रूबरू करा दूं, हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में अश्विनी साहब अपने पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ भाई आम आदमी पार्टी में पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन सिंह यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा अश्विनी साहब से रहेगा। सर जी, यहाँ पर एक बेहतर पहल, पहले सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई, हायतौबा मची, पर हायतौबा के बीच में भी सरकार कहती रही कि हम यहाँ पर बेहतर करने के लिए ही सर्वे करा रहे हैं, जो अधिकृत रूप से चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई, या जो अनुदान नहीं प्राप्त कर पा रहे या वास्तव में जिनकी हालत खस्ताहाल है उनको बेहतर, और यहाँ पर NCERT का पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू करने की बात भी कही जा रही है, कैसे देखते हैं इन सभी बातों को? योगी जी ने फैसला किया जी, वो कितना सराहनीय फैसला निकला इसकी कल्पना जो है किसी ने नहीं की। विपक्ष ने हायतौबा मचाया, आपने कहा हायतौबा मचा जी, बिल्कुल मचा। कुछ एक
एक मौलाना को उन्होंने कहा कि जो मदरसे में जाए जो अधिकारी उसको चप्पल से पीटो। मेरे साथ वो डिबेट में बैठे, मैंने पूछ दिया आपने कहा नहीं मैंने दूसरे लिए कहा था, वो सब लोग बचते रहे उससे। लेकिन इस तरीके से इन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई पूरे प्रदेश में। हम सर्वे क्यों करा रहे थे, हमारे सर्वे में क्या निकल कर आया, कोई कुछ से छिपा नहीं है गौरव जी, सब सामने है। कितने अनधिकृत थे, कितने अधिकृत थे, कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ क्या सुविधाएं थी, कहाँ की फंडिंग कहाँ से थी, सब कुछ देखा गया जी। और अब जो है ये लोग कहते थे कि 4% बच्चे हमारी दीनी शिक्षा लेते हैं, बाकी सब ठीक ही पढ़ते हैं। भाई क्यों उनको हमने दीनी शिक्षा से मना तो किया नहीं, हमने तो कहा 100% को दीनी शिक्षा दीजिए आप, बिल्कुल जो 4% को क्यों दे रहे हैं, 100% को दीजिए, लेकिन साथ में उनको इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से पढ़ाइए। मीडियम चुनना आपका काम है, हिंदी चुनिए, इंग्लिश चुनिए, जो भी चुनिए, लेकिन उनको कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, उनको संस्कृत पढ़ाइए, उनको अंग्रेजी पढ़ाइए, उनको मैथ पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, जिससे कि वो बाकी बच्चों के साथ मुख्य धारा में जुड़ सके। आने वाले दिनों में सिर्फ वो मौलाना और आलिम बनकर न रह सके, वो अगर इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाए। क्यों हम उन बच्चों के साथ ना इंसाफी करें, हमारी योजना ये थी। लेकिन उस समय क्या प्रसारित किया गया, योगी मुस्लिम विरोधी है, मदरसों में ये करते हैं, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र थी जिसको विरोधी दलों के लोगों ने हवा दी, और जो उनके समर्थित मौलाना लोग थे उन लोगों ने उसको कहा। एक आंकड़ा है हमारे पास जी। एक सर्वे हुआ UDISC का जी, उसमें ये पता किया गया कि इन मदरसों के अलावा जी, लगभग 2019-20 का था और 20-21 का भी था, उसमें लगभग 45 लाख से ऊपर बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, जो ये बाहर प्राइवेट स्कूल है जी। तो हम वही शिक्षा उनको, जो बचे हुए बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, हम उनको देने का काम कर रहे हैं। तो कितनी शानदार पहल है गौरव जी, और कितना बढ़िया कदम है, इसकी सराहना करने के बजाय किस तरीके से इन लोगों ने उसका माखौल उड़ाया, और आज वो फैसला जब बेहतर तरीके से आया तो इन लोगों के चेहरे पर काली फूट गई और ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं, काली पड़ गई चेहरे पर, ठीक है पक्का जी। नितिन भाई, भाई आप लोग विरोध कर रहे थे सुबह मदरसे सर्वे का, और अश्विनी भाई बोला काले पुत गई आप लोग चेहरों पर, कैसे देखते भाई यहाँ पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखिये मुंह काले करने वालों की पार्टी ही है। अच्छा, उनको मुंह की काली तो हमेशा याद आती है। अच्छा, देखिए सरकार, मैंने कभी भी, मैंने गौरव जी लगातार जब मैं आपकी डिबेट में बैठता हूँ जी, तो एक बात हमेशा ये निकल के आती है कि अगर कोई अच्छी पहल है तो उसका स्वागत होता है, बिल्कुल जी। ठीक, जब उनकी नियत पे खोट होता है तो निश्चित रूप से उस पर सवाल भी उठाए जाते हैं जी। समाजवादी पार्टी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया जी, कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ दीनी शिक्षा लें, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये अच्छी पहल है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस नियत से जी कभी काम नहीं किया था। इनका तो जब सर्वे कराने के पीछे लक्ष्य था वो निश्चित रूप से कुछ अलग ही था, और अच्छा, उसका उन्होंने चुपचाप दौर में आज वो, ये तो पहले की आज की योजना थोड़ी ना है, देख लीजिए, अब ये आज की योजना नहीं जी, ये तो पहले से ही मदरसों में दीनी शिक्षा के अलावा भी मेन स्ट्रीम की शिक्षा और हिंदी अंग्रेजी का सभी पढ़ाई जा रही थी। अब चूंकि उसमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जुड़े, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्वागत होना चाहिए। बस बात यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही मदरसा हो या सरस्वती शिशु मंदिर, उसको जब कट्टरता की तरफ ले जाती है, अच्छा, जब वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगती है, जब वो तोड़ने की बात करती है, दिक्कत वहां आती है। इस देश में कहां तोड़ा हमने, जब भी ये भारत है, हम सब भारतीय हैं, और भारत में सबको अपनी बात कहने का अधिकार संविधान देता है, सबको शिक्षा का अधिकार देता है, सबको रोजगार का अधिकार देता है, सबको पूजा पद्धति का अधिकार देता है। ये लिबरल स्वतंत्रता होनी चाहिए, सरकार को अपना काम सबके विकास के लिए करना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। दिक्कत वहां नहीं होती, दिक्कत तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी 80-20 की बात करने लगती है। आप सबको एक समान देखिए, एक सरकार है आप, ये आपका फर्ज है, आपकी देखिए, आपको, आपके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, अच्छा, वो आपकी ही प्रजा है,
और आप हम इस देश के प्रदेश के राजा हैं, माननीय योगी जी माननीय मोदी जी देश के राजा हैं, तो उनके लिए सभी बराबर होने चाहिए। अच्छा। यहाँ जब ये भेदभाव करते हैं, जब हिंदू मुसलमान करते हैं, जब संसार का विस्तार करते हैं, तब दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है नितिन भाई, ये बताइए आप जो ये सरकार का कदम आया इसका आप स्वागत करते हैं, कैसे देखते हैं इस कदम को? निश्चित रूप से। हाँ। कोई भी बच्चा हो इसका, उसको मेन स्ट्रीम से जुड़ने का अधिकार है। हाँ। और इसके बाद देखिए, स्पेशलाइजेशन तो सबका है। कोई बच्चा अगर पुरोहित बनना चाहता है तो वो सिर्फ संस्कृत पढ़ करके और संस्कृत के लेकर के जो उसके कर्मकांड की शिक्षा लेना चाहता है तो वो उसका अलग से अधिकार हो सकता है, चूंकि उसका व्यवसाय है। अगर कोई बच्चा मौलवी बनना चाहता है या उससे रिलेटेड जो भी इमाम बनना चाहता है तो उसको अगर सिर्फ दीनी शिक्षा लेनी हो तो ले, मेन स्ट्रीम से जुड़ना तो अच्छी बात है। ठीक है, पर बीजेपी की आप नीति से सहमत नहीं है कि बीजेपी ने सर्वे कराया तो ठीक नहीं किया था, वो जानबूझ के कराया था। मैंने क्या कहा, बीजेपी अच्छी नीयत से काम करे तो बीजेपी काम तो करती है, ठीक है ना? उसके पीछे उसकी नीयत ठीक है कि नहीं है इस मामले, नीयत ठीक है? अगर ये जो बात कह रहे हैं यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। हाँ। भाई उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ देना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम। ठीक है, अब गौरव जी उससे आगे नितेंद्र भाई नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। आप क्यों उनसे बुलवा रहे हैं? अच्छा, इतना उससे आगे उतना उन्होंने बहुत कह दिया। अच्छा, तब तो नहीं बोले। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई, भाई कैसे देखते हैं आप जिस तरह से योगी सरकार फरमान है, क्योंकि आप भी लगातार भले ही सीट विधानसभा की ना हो पर सक्रियता यहाँ हमारी पार्टी बनी रहती है, वो आज भी तमाम तरह का प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया, जो मदरसों में शिक्षा को बच्चों के लिए यहाँ पर 1 से 5 तक जो ये शिक्षा को अनिवार्य करने जा रहे हैं, कैसी पहल है, कैसे देखते हैं? देखिए, सारा मामला नियत का है। अगर नियत वास्तव में है कि 1 से 5 तक बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और आधुनिक शिक्षा देनी है। हाँ। तो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर शब्द क्यों लगा दिया भाई? अगर शब्द लगा रहे हैं इस वजह से कि मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, 70 महीने हो गए हैं आधुनिक शिक्षा के नाम पर जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था आधुनिक मदरसों में। अच्छा। उनको 70 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। अच्छा। अब आप सोचिए कि जिस शिक्षक को 70 महीने से तनख्वाह सरकार ने नहीं दी होगी वो क्या पढ़ाएगा और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था उन मदरसों के अंदर होगी, अच्छे से समझा जा सकता है। अच्छा। जिन मदरसों के कायाकल्प की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है इतने दिनों से, उन मदरसों के एम्प्लाइज के लिए, शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नामावली नहीं, नियमावली नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक है। कि कितनी छुट्टियां उनको मिलेंगी, किस तरह का सिस्टम रहेगा, अभी अभी ठीक है, अभी वो कोई सेट नामावली नियमावली इन्होंने अभी तक मदरसों के लिए नहीं जारी की है। अच्छा। आप उठाकर देखिए कि ठीक है ये पढ़ाएंगे तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब 1 से 5 तक जो है आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन मैं पूछता हूँ पढ़ाएगा कौन? जो पढ़ाएगा उसको आप तनख्वाह देंगे नहीं, आप राज्यांश में केंद्रांश में उलझा के रखेंगे और एक दिन केंद्र सरकार निकल के आएगी और कह देगी कि भाई आज से केंद्रांश बंद हो गया। जब केंद्रांश बंद हो गया, अगर राज्य सरकार कहे कि हमने राज्यांश बंद कर दिया, मतलब आप तनख्वाह देंगे नहीं कोई बंद कोई, और जो राज्यांश मिल भी रहा था 40%, वो भी आप देख लीजिए 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में कहीं एक बार आ गया तो आ गया, ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा। तो कुल इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ हल्ला करना जानते हैं, ये सिर्फ शोर शराबा जानते हैं, इसी वजह से विपक्ष जो है इस पर मुखर होकर आवाज उठाता रहा है। दरअसल मदरसा का कायाकल्प करना इनका उद्देश्य नहीं है। अच्छा। इनका उद्देश्य है मदरसों के नाम पर राजनीति करना, मदरसों के नाम पर बांटना, मदरसों के नाम पर भेदभाव पैदा करना। आप भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता आपको मिल जाएंगे जो मदरसों के बारे में कहते हैं कि आतंकवाद का अड्डा है, कोई बताएंगे यहां पर हथियार मिलते हैं, कोई बताएंगे यहां पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। ये लोग कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रवक्ता साथी से भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने सर्वे करा लिया, अभी तो हम लोग चर्चा सिर्फ एक सर्वे पर कर रहे हैं गौरव भाई। 20 से ज्यादा जांचें हुई अगर ब्लॉक स्तर से और प्रादेशिक स्तर की बात कर लें। हाँ। तो मदरसों की 20 से ज्यादा जांचें अब तक हुई हैं। अच्छा। मैं पूरे गारंटी के साथ पूछ रहा हूं अपने मित्र से अश्विनी शाही जी से कि कितने मदरसों में इनको हथियारों का जखीरा मिला, कितनी जगह पर इनको ट्रेनिंग सेंटर मिला आतंकवादियों का, इसका भी ब्यौरा दे दें। जो बार बार ये मदरसों के ऊपर इल्जाम लगाते आते थे, हम ये भी पूछ लेना चाहते हैं, जनता को यह भी पता चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति के हथियार को धार देने के लिए मदरसों का नहीं आता। जब भी बीजेपी की सरकार द्वारा कोई भी पहल मुस्लिम वर्ग के लिए की जाती है तो आप लोग इसको नफरत की राजनीति क्यों बोलते हैं?
उस पहल को स्वीकार क्यों नहीं करता? अरे भाई करके बेहतर कर रहे, तो मैं कहां बेहतर किया, मैं पूछ तो रहा हूं 70 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आप कह रहे हैं बेहतर किया? अच्छा, अरे भाई जिन आधुनिक शिक्षक के दम पर ये बात कर रहे हैं उनको आप तनख्वाह देंगे नहीं, कैसे काम ले लेंगे उनसे? तो ये सीधा सीधा सिर्फ एक कोरा वादा है। अच्छा। ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है। अच्छा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, अगर कोई ठोस पहल की जाती तो मान लेते। अरे अपने सरकारी स्कूल तो चला ही नहीं पा रहे, कहीं पर रसोईया स्कूल चला रहा है, कहीं पर माली स्कूल चला रहा है, कहीं पर एक शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है, कहीं पर स्कूल बंद पड़ा है, कहीं पर कागजों पर स्कूल चल रहा है, कहीं पर इमारत गिर रही, कहीं पर छत गिर रही, कहीं पर पंखा टूट कर गिर रहा है, कहीं पर दरवाजा नहीं, कहीं पर टॉयलेट नहीं है। ये तो हालत है इनके सरकारी स्कूलों की। तो सरकारी स्कूलों का तो एक कायाकल्प कर नहीं पाए 7 साल में, ये मदरसों के लिए क्या करेंगे? इसे साफ पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है जुमलेबाजी का खेल है, उससे इतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है। आमिर भाई, आप तो मुलेंगा करिए, आपको मुलेंगा बहुत जरूरी है, किस तरह से देखते हैं पूरी घटनाओं को, सर्वे को भी, और उसके बाद जो आज सरकार का आदेश है मदरसा बोर्ड की, यहां पर एक पहल की जा रही है कि वहां पर इस तरह की शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए मदरसा बोर्ड की पहल नहीं, मदरसा बोर्ड तो पहले ही सही है। अच्छा, नहीं मदरसा बोर्ड की पहल भी शुरुआत की, मदरसा बोर्ड की पहल नहीं, मदरसा बोर्ड पहले से। और जहाँ तक मदरसे के अनाधिकृत मदरसों की, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था शब्द का, अनाधिकृत, अनाधिकृत मदरसे का क्या मतलब है गौरव जी, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, तमाम मदरसे रजिस्टर्ड हैं जी, और वो मदरसे जो घरों में जी बहुत सारी महिलाएं चलाती हैं। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, तमाम मदरसे महिलाएं भी चला रही हैं। महिलाएं वो महिलाएं कि जो आसपास के पड़ोसी के बच्चों ने इकट्ठा कर लिया, उनको कुरान पढ़ा रही हैं, उर्दू पढ़ा रही हैं, ये भी मदरसे की श्रेणी में आएगा। लेकिन वो तमाम मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं वो 16,000 के लगभग आसपास हैं, या 20 मान लीजिए, आपने 20 का दाम कहते 20 ही मान लीजिए, लेकिन उनमें करीब 800 के आसपास या 650 के आसपास रजिस्टर्ड मदरसे हैं। हम जानना ये चाहते हैं गौरव जी, एज ए पत्रकार, एज ए मुस्लिम, के योगी जी की 6 साल हो गए, योगी 2 सरकार चल रही है, ठीक है, एक भी मदरसा अब तक इन्होंने एडिट नहीं किया है। अच्छा। और जहाँ तक संस्कृत बच्चों की पढ़ने की बात है, 1 से 5 तक हम स्वागत करते हैं, बहुत दिल से इस्तकबाल करते हैं इस फैसले का। लेकिन गौरव जी बड़ा सवाल यह है कि ये संस्कृत टीचर लाएंगे कहाँ से, अध्यापक संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, यहाँ पर विज्ञान गणित कंप्यूटर। हाँ तो वही तो बात है ना, अभी जैसे इमरान भाई बता रहे, तो ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं कि इमरान भाई बता रहे थे, ये बात बिल्कुल कोरे कागज की तरह साफ है, आईने की तरह क्लियर है कि लगभग 6 वर्षों से जो आधुनिकीकरण के नाम पर जो शिक्षक रखे गए थे उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, उनका वेतन नहीं दिया गया है। अच्छा। तो बड़ा सवाल ये गौरव जी, कहाँ तक कोई अपने पास से खर्च करके पढ़ाएगा? अच्छा। या जो मदरसे में जो थोपे गए हैं वो क्यों देने लगेंगे? अच्छा। देखिए मदरसे, बहुत सारे मदरसे मस्जिदों में चलते हैं, देखिए, और साफ सुथराई की बात जहाँ तक है, आपकी टीवी में स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि एकदम साफ सुथरे मिलेंगे, क्लीन मिलेंगे, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, तमाम मदरसे, मैं 60% मदरसों को आपको खुद सर्वे करा सकता हूँ, और मैंने खुद भी सर्वे किया है कि तमाम मदरसों में उर्दू के साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। अब विज्ञान गणित की बात रही, तो आप देखिए जो मदरसे में पढ़ेगा वो हिसाब किताब जरूर जानेगा, और जरूरी है कि वो गणित भी पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाई जाती है, लेकिन अब उतना उनको या तो वो मिल जाए, कहना चाहिए ऐड मिले, कोई चंदा उतना मिलता नहीं है, जो कौम के लोग जकात या खैरात जो कुछ देते हैं उन पर मदरसे तमाम चल रहे हैं, सरकारी मदद कोई मिलती नहीं है। और जहाँ तक अभी एक बहुत बड़ा सर्वे 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 का एक बहुत डिबेट है, आपके चैनल पे भी हुई, तमाम चैनलों पे हुई, सर्वे का मतलब बहुत साफ सी बात है कि सिर्फ एक कौम को खुश करना था, कोई मतलब नहीं था। गौरव जी बिल्कुल सही बात है, देखिए गौरव जी एक बात समझिए, अभी 2019 में इन्होंने संस्कृत पढ़ने की बात करी थी, 2019 का था लोकसभा का, उससे पहले हमारे योगी जी ने रन किया था मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, भाई कहा बात 3 साल हो गई गौरव जी, कितने मदरसों में टीचर रखे गए हमें वो बता दें भाई, भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनके पास कोई अगर डाटा हो तो बताएं कितने टीचर संस्कृत रख दिए गए। लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के, उसके बाद 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो 2024 में 2023 शुरू हो गया, 2024 एक वर्ग खुश करने के लिए कर रहा है, सिर्फ एक वर्ग खुश करने के लिए, अगर कुछ नहीं गौरव जी, अगर कंप्यूटर गणित पढ़ाने जा रहा है तो कौन से वर्ग खुश कर रहा है? 3 साल हो गई गौरव जी, संस्कृत टीचर अब तक कहीं से हमें दिखे नहीं रहे किसी मदरसे में, और ये सिर्फ लफाजी है, और लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से
पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं तो कौन से वर्ग को खुश रहेगा, मुस्लिम वर्ग को खुश कर रहा है कि हिंदू? कहां पाठ्यक्रम, अरे हम कहते हैं करने करिए नहीं। अच्छा। देखिए एक बात करने और कथनी में बड़ा फर्क होता। अच्छा। है मैं आज आपको गौरव जी एक मिसाल दे देता हूँ। हमारा भतीजा, हमारा भांजा या मेरा बेटा, ईश्वर ना करे कभी 302 या 307 में फंस जाए, तो अगर हमारी कुछ हैसियत है तो हम DGP को, IG को, DIG को फोन करेंगे ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठेंगे नहीं नहीं कोई छू नहीं सकता है, ये कौन सी बात हुई? अगर आपको ईमानदारी से करना है तो पहले लागू कर दीजिए, बाद में ऐलान करिए मैंने ऐसा कर दिया है। अच्छा। आप सिर्फ हवा हवाई बात कर रहे हैं, धरातल पे कुछ है नहीं, जमीनी सतह पे कुछ है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। गौरव जी सुनिए, साहब जी बताएंगे। साहब जी, गौरव जी, यही हमारे सभी भाई लोग इतने उत्साहित थे कि ये कैसे हो रहा है, ये मदरसों का सर्वे गलत कराया जा रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बहुत इन लोगों के अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा। सब्र करते तो आज चीजें आ गई। आज अब वो हम लागू कर रहे हैं कि NCERT हम पढ़ाएंगे हम, क्योंकि हमने जब नारा दिया कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये पहले से जो हमारे भाई कह रहे थे पहले से लागू नहीं था, ये नारा हमने दिया है जी। अच्छा अश्वनी जी, अश्वनी जी सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, कितने मदरसों में आपने कुरान और कंप्यूटर दे दिया बता दीजिए जरा। नहीं नहीं, 2014 में आपके नेता मोदी जी ने नारा दिया था। अश्वनी जी एक मिनट, आपके नेता जी मोदी जी ने नारा दिया था 2014 में कि हम एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। आप ईमानदारी से अश्वनी बता दीजिए, आपके पास कोई लिस्ट हो बता दीजिए कि पूरे देश में छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों में बीच में नहीं बोला, या तो मैं आपकी छोड़ के चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, बोले ये कोई गरिमा नहीं है बहस की भाई, की बारी बोले, बारी से बोले। मैंने कोई गलत बात नहीं की अश्वनी जी, आपसे सवाल किया है, अपने टर्म पे कही है भाई, आपसे सवाल किया है। सुनने के लिए गौरव भैया मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सही अपनी बात पूरी करिए, बोले बोले। नहीं क्या तरीका है भाई, गलत कहा कि चाहे सही कहे, अपने टर्म पे कहिए। अश्वनी जी मैं सवाल कर रहा था, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सवाल किया था, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, नहीं हो रहा है, जवाबी कव्वाली नहीं हो रही है। जवाब दे, बोले आप जवाब दीजिए भाई, डिबेट का मतलब क्या है? जवाबी कव्वाली मतलब मान लीजिए ना इसको, क्या दिक्कत है? जवाबी कव्वाली नहीं हो रहा है। अरे डिबेट का क्या मतलब है, बहस हो रही है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अपने टर्म पे बोले बोले बोले, सही जी जवाब दीजिए। गौरव जी क्या तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है भाई? प्लीज प्लीज बोले बोले बोले, सही जी बोले। जब अपने अपना टर्म आएगा तो चाहे मुझे गाली देना होगा, चाहे आशीर्वाद देना होगा। आप हमारे बड़े भाई हैं अश्वनी जी, मैं गाली दूंगा। अरे भाई तो आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, क्यों गाली देंगे भाई? आपको अपने टर्म का इंतजार तो करिए। अरे हमारे संस्कार ऐसे नहीं है बड़े भाई। अरे अपने टर्म का इंतजार करिए, इतनी श्रद्धा मत रखिए कि बीच में कड़ाई में कूद जाइए, जल जाएंगे। ठीक ठीक बोले बोले, सही जी बोले, ठीक है ना? थौसे कड़ाई में नहीं कूदना, संस्कार है कड़ाई में कूदने का हमारा नहीं है। बोले 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 बोले, ठीक है। नहीं नहीं तो आप कूद ही आप रहे हैं, कूद आप रहे हैं तो कौन कूद रहा है? बोले बोले, सही जी बोले बोले। तो हमने नारा दिया। हाँ। और अभी उसका उसके लिए एक सिलसिलेवार जो परिस्थितियां खराब की गई थी वो अब धीरे धीरे सुधारते हुए उनको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। समय लगता है सब चीजों में, बिल्कुल। अब हमने NCERT दाखिल का के पढ़ाने की बात की, अब उसमें जो कमियां आएंगी उसको हम पूरा करेंगे, चाहे सैलरी की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे शिक्षक की बात हो, वो सब हम पूरा करेंगे। अब पहले इंतजार तो करते, अभी जब जैसे ही हमने कारण से अभी आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन्होंने भाषण दे दिया कि बताइए कितने असल है पकड़े गए। अरे भाई आज आपको पता है आपके जो मुख्यमंत्री हैं पान साहब, उनके जहां पर गए थे उसी के बगल में जखीरा बरामद हुआ है। ये संस्कृति आप लोगों की है, वहां भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एक इनका दिल्ली में एक है एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा। ये आम आदमी पार्टी का वो एक संस्था है आम आदमी पार्टी की जी। ये लोग कुछ टीचर हैं, ये लोग गए थे गोपाल राय जी वहां के साथ शिक्षा मंत्री वो भी है, कुछ मंत्री हैं उसमें जी। सैलरी वोलरी के लिए गोपाल राय के पास ये लोग गए थे जी। कितने महीने की सैलरी इन लोगों ने, कॉलेज का नाम मैं कहिए तो मैं बताता हूँ। और कौन कौन प्रोफेसर गया था? NK पांडे, मनोज कुमार सिंह, ये हंसराज सुमन, ये लोग गए थे तनख्वाह की मांग करने गए थे। अच्छा। और कॉलेज का नाम मैं बता देता हूँ, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज, इंदिरा गांधी सार्वजनिक शिक्षा कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ऐसे बहुत नाम है जी। भाई अपने तो सैलरी दे नहीं पा रहे हो दिल्ली को, अपने दिल्ली को साफ पानी दे नहीं पा रहे हो, यमुना साफ नहीं कर पा रहे हो, सड़क की गंदगी हटा नहीं पा रहे हो, और उसके बाद आप दूसरे को जो है तनख्वाह दिलाने चले हैं। हम जब चीजों की गंदगी को साफ कर रहे हैं, कुछ इंतजार कीजिए,
और इंतजार करके हम आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब हमने मदरसों की भाई गणना कराई, मदरसों का एग्जामिनेशन कराया, उस समय भी विरोध किया आपने, आज भी कर रहे हैं और आगे करेंगे, करते रहिए। व्यवस्था थोड़ा धीरज रखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे किस्म की है, दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार की तरह नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आप हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है, ये हमसे सवाल कर ले, मैं जवाब दूं। आमिर भाई बोलिए, आप बताइए। बोलिए आमिर भाई, भाई हम 2014 से इसी आश्रम में बैठे हुए थे कि मोदी जी एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देंगे। अच्छा। आज 9 साल हो गए, अगले साल चुनाव हो जाएगा। हाँ। तो हम अश्विनी शाह जी से सवाल करना चाहते थे, हमारे पास कोई आपके पास कोई लिस्ट हो तो बता दीजिए, कोई डाटा हो, कितने मदरसों में मोदी जी ने कंप्यूटर दिए हैं। कुरान तो सबके हाथ में है ऑलरेडी पहले ही से ही। अच्छा। कि कंप्यूटर कितनों के हाथ में दिए वो बता दिए कोई लिस्ट हो तो। अच्छा, आप अच्छा। नाराज होने लगे, हम भाई खामोश हो गए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। हाँ। आप बीच में बोल रहे थे इसके लिए मैंने कहा। अब आप, मैंने कहा ना पूछिए आप सवाल। हाँ, बोलिए। अब जवाब सुन लीजिए। बोलिए जी। जी देखिए, आज मैं परसेंटेज और लिस्ट का नहीं है, आज मैं लखनऊ की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लखनऊ शहर में बैठे हैं। जी, बेहतर बेहतर। लखनऊ शहर के कई मदरसों में कंप्यूटर की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। जी, आपने नहीं कराई ये हम जी। अरे देखिए, मैं बता रहा हूँ मदरसों का नाम बता दूं। अब नहीं, मदरसों का नाम बताऊं मैं? उसके बाद उन मदरसों में पहले चल रहे हैं भाई, तो मैं कह रहा हूँ डाटा हो, उसके बाद करिएगा भाई। अच्छा, मदरसे का नाम बता दीजिए, कहाँ का दिए, चलिए हटाइए, खत्म करिए। अरे भाई रुक जाइए, खंडन कर लीजिएगा, मैं जब एक एक करके मैं कह रहा हूँ तो आप बीच में कूद जा रहे हैं। हाँ ठीक, अच्छी बात है, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। क्या भाई, आप भी जो है भाई, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। अरे नहीं, बोलिए बोलिए भाई। हम लोग अगर मुर्गा लड़ाना शुरू करेंगे ना तो दर्शक हम ही लोगों को गाली देते हैं। जी बोलिए, ये उचित नहीं है। जी बोलिए। तो आज लखनऊ में है, किसने कराया किसने कराया वो बाद का मुद्दा है। जी, और थोड़े दिन इंतजार करिए। हाँ। हम कंप्यूटर भी देंगे। हाँ। एनसीईआरटी दे रहे हैं। अगर हम साइंस पढ़ाएंगे। हाँ। तो कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। जी। स्मार्ट क्लासेज भी बनेंगे उसमें। अच्छा। उसमें यही नहीं है कि सिर्फ जो है हम उसमें पढ़ाएंगे। अच्छा। अंग्रेजी और मैथ। अच्छा। हम स्मार्ट क्लास भी बनाएंगे, ई लाइब्रेरी भी बनाएंगे। तो जब ई लाइब्रेरी किस चीज से चलेगी ये आप जान रहे हैं। ठीक है। इस चीज को कोई अनपढ़ आदमी हो तो उसको समझाना पड़ेगा। जी। आप पूरी चीज को देखिए कि क्या क्या हम देने जा रहे हैं। ठीक। तो हम अपने सपनों को उन बच्चों को के भविष्य के लिए साकार जरूर करेंगे। और अगले साल जो चुनाव कह रहे हैं ना, फिर हम ही जीत रहे हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा, हम लोग पूरे देश को संभालेंगे। बोलिए नितिन भाई, आप मुस्करा रहे थे जब स्मार्ट क्लासेस की बात साई जी किए थे। इमरान भाई आप भी मुस्करा रहे थे स्मार्ट क्लासेस के नाम पर। मैं मुस्कुराहट का कारण क्या था भाई, नितिन भाई बता दीजिए। भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे। हाँ। जब उनसे सवाल किया गया कि नाम बता दीजिए कि 8 सालों में माननीय मोदी जी ने कितने लोगों को कंप्यूटर दे दिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये बाद में देंगे। अरे 8 साल में आप अभी शुरुआत नहीं कर पाए, दूसरा कार्यकाल माननीय मोदी जी का समाप्त होने की तरफ है। हाँ। और योगी जी का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। तो इस बात तक मुस्कुरा रहे थे कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करने लगती है। मैं पूछता हूँ कि भाई राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं तो बताइए भारत में राष्ट्रभाषा अभी तक क्यों नहीं हुई। अच्छा। इतने दिनों तक भारत कौन सा राष्ट्र है इसका नाम बता दीजिए। हाँ। भारत की राष्ट्रीयता क्या है ये बता दीजिए। हाँ। तब ये हिंदुस्तान की बात करेंगे। अरे तो भी आप स्वीकार कर लो कि भारत एक राष्ट्र है, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। हाँ। यहाँ के सब निवासी जो है सब बराबर है। हाँ। इनको समान अधिकार मिलने चाहिए। अब क्यों बांट रहे हो कि वो दीनी शिक्षा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अरे ये लोग जो अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के लोगों को अपनी चकास से, चंदे से, खैरात से, कुछ लोग अगर उनको साक्षर कर रहे हैं। मैं मदरसों की इस दृष्टि से भी देखता हूं। आमिर भाई कह रहे थे एक बात। हाँ, कि कुछ महिलाएं भी घर में आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके उनको कुरान की दीन की शिक्षा देती हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनको साक्षर करने का प्रयास है। हाँ, यह संस्कार की असफलता है। अच्छा, कि सरकार अभी तक इस देश के लोगों को साक्षर नहीं बना पाई, उनको शिक्षा नहीं दे पाई, उनको रोजगार नहीं दे पाई। हमारे इमरान भाई सही पर सवाल कर रहे थे कि 70 सालों से आपने किसी को क्या तनख्वाह दी है क्या। अच्छा। और आपने सर्वे किया था तो सर्वे किस बात का था, सर्वे गणना के लिए था ना। हाँ। आपने सर्वे कर लिया। हाँ।
आप उनको कब से बजट में शामिल करने जा रहे हैं? 16,000 बात हो रही मदरसों की, 560 अनुदानित हैं, जो 560 अनुदानित हैं उन 560 कंप्यूटर अब तक क्या दे पाए क्या? अच्छा जो बात करें, आप 560 कंप्यूटर मात्र दे देते, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितने कंप्यूटर दिए थे? अच्छा आप 560 कंप्यूटर दे करके कम से कम इस लाइन की शुरुआत तो कर दीजिए मदरसे में। तो आप सिर्फ मखौल मत बनाइए, किसी के कमजोरी का आप मजाक मत बनाइए। वो लोगों ने प्रयास किया, अच्छा। उन्होंने प्रयास किया अपने बच्चों को किसी तरीके से साक्षर बनाने का, उनको दीनी शिक्षा दे करके या उनके साथ में हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे। आप अच्छी बात है, मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार ने शुरुआत की है, हाँ। बहुत अच्छा स्वागत कर रहा हूँ, हाँ। इसकी शुरुआत करिए, इस पर सिर्फ हवाई तीर चला के माहौल मत बनाइए। अभी तक शुरुआत नहीं की है, इस बात पर मुस्कुरा रहे थे, इसको करें, आप कंप्यूटर दीजिए। अब सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है, आप अनुदानित को 560 कंप्यूटर दे दीजिए। अब घोषणा कर दे साईं जी कि एक सप्ताह के अंदर माननीय योगी जी 560 कंप्यूटर दे देंगे। साईं जवाब दे रहा है आपका, जी बोलिए, जी बोलिए साईं जी। देखिए देखिए, बार बार ये लोग हिंदू मुस्लिम पर चले जाते हैं, हमने कभी एक शब्द भी ना हिंदू बोला ना मुस्लिम बोला। आजकल डिबेट अब सुन लीजिए, अब क्योंकि एम और वाई का की राजनीति ये लोग करते हैं, मुस्लिम यादव, और हम करते हैं एम और वाई यानी कि मोदी और योगी की राजनीति। अच्छा, वो इनके एम और वाई पर हावी हो गई है। अच्छा अच्छा, मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ सिर्फ। जी, जो ये मदरसे हैं इसमें 25 मदरसों को चयनित किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, उसमें पहले ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बाद इसके बाद दूसरे चरण में बाकी जगह दी जाएंगी। ठीक, हम लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं। हम एक जियो निकलता है 2013 में, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आप समझ जाइए, मेरी बेटी उसका कल एक योजना थी। अच्छा, उसमें 30,000 रुपया उसमें लिखा था मुस्लिम बच्चियों को 30,000 रुपया। अच्छा, हिंदू लोगों को कुछ नहीं, तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? अच्छा, ये इसी से परिलक्षित होता है। और कितने दिन तक किया इन्होंने? सिर्फ वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने किया। अच्छा, हमने अभी एक शब्द नहीं बोला हिंदू मुस्लिम, लेकिन इन्होंने नितिन भाई ने हिंदू मुस्लिम लेकर पटक दिया। सांप्रदायिकता ये लोग फैलाए और खड़े हो जाए कि सेकुलरिज्म के हम सुरमा है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, बात ये करें और सांप्रदायिक हम। अच्छा, सब उसको सुविधा वो दे। एक कांग्रेस के देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे वो, हाँ। उन्होंने कह दिया कि मुस्लिमों का इस देश के संसाधन पर पहला हक है। अच्छा, अरे भाई पारसियों का भी है, ईसाइयों का भी है, जैन का भी है, सिखों का भी है, सबका था, उनका नाम तो नहीं लिया उन्होंने। तो ये इन लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति है जो हम लोग नहीं करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर चलते। ये आमिर भाई बोल रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम करके प्रचंड बहुमत में आए इतनी बार, अब उनको लग रहा होगा तो अच्छी बात है, जबकि हमको तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 17 में हम 5% का जवाब दे दें मुस्लिम वोट और 22 में 8% का जवाब दे दें। जी नहीं, मैं भी जवाब लेता हूं, अब से जवाब दीजिए, बोलिए। अश्विनी भाई ने कहा कि एक योजना 2013 में आई, मेरी बेटी मेरा कल, निश्चित रूप से 30,000 रुपए देने की बात की गई। किस लिए दी गई? उस बेटी उससे कम से कम आगे की शिक्षा ग्रहण कर सके, ग्रेजुएशन के लिए जो इंटर पास करके आई थी उसके लिए। समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप वितरण की योजना बनाई, बताइए उसमें क्या हिंदू मुसलमान का परहेज किया गया क्या? जो भी बेटा इंटरमीडिएट पास करके आ रहा था, हाई स्कूल पास करके, सबको लैपटॉप देने का काम किया गया। समाजवादी पेंशन योजना आई, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम किया गया था? नितिन भाई, साईं जी बोल रहे हैं, जो योजना आप लेके आए थे मेरी बेटी मेरा कल, इसके लिए आपने मुस्लिम वर्ग की बेटियों को चयनित किया था, हिंदू वर्ग की बेटियों को चयनित नहीं किया था, ये बताइए। साई भाई को ये पता नहीं है कि हमने 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन से जोड़ा था, वो देश की महिलाएं थी, वो हिंदू मुसलमान नहीं थी, दूसरी जगह हिंदू। और कुछ बेटियां जो निश्चित रूप से समाज में पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आगे की शिक्षा के लिए ये पैसा था, मेरी बेटी मेरा कल, वो उनको मेन स्ट्रीम में आगे की एजुकेशन, जो धन के अभाव में आगे की मुस्लिम शिक्षा की हो रही थी। अब इन्होंने यह कहां से जोड़ना शुरू कर दिया, ये बता रहे ना कि इनको अगर अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किसी ने रोका है क्या? आज आप आए हैं मदरसों की बड़ी अच्छी बात करके, आपने कहा है कि पहले स्ट्रीम पायलट प्रोजेक्ट रूप में 25 करेंगे, ये 560 क्यों नहीं कर सकते? क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई क्या?
ये भिखमंगी सरकार हो गई क्या, गरीबों सरकार हो गई क्या? 16,000 मदरसे हैं, 16,000 मदरसे हैं, सरकार से अनुदानित 560 हैं। पहले राउंड में 560 क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 560 कंप्यूटर नहीं दे सकते हैं, 560 मदरसों को आप अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, और आप सिर्फ गुनगुना बजा करके गाजर लटकाने का काम कर रहे हैं ना। एक कहावत पुरानी कि गधे की नाक के आगे गाजर लटका के उसको दूर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आप सबका साथ विकास कर लेंगे, सबका विकास करेंगे, जबकि अभी 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 शुरुआत की नहीं है। अच्छा। उसमें बताया जब पहले राउंड 25 करेंगे। हाँ। ये बात कहते शर्म नहीं आई होगी भारतीय जनता पार्टी को? अच्छा। कि हम 25 मदरसों को मात्र अच्छा पहले राउंड में लेंगे पार्टी। अरे 560 को क्यों नहीं लोगे? कितने बड़े बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में 560 मदरसे जो अनुदानित है। मैं 16,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आपने 20,000 कहे थे, आमिर भाई ने 16,000 कहे। हाँ। जो भी रजिस्टर्ड 16,000 20,000, 16,000 या 20,000 में 500 यानी कितने परसेंट हो गया? आप शुरुआत अगर 5% से कर सकते हैं, 10% से नहीं कर सकते? ये इसका मतलब सीधे सीधे मजाक बनाना है, ये सिर्फ मजाक बनाना है। और लोगों में चूंकि इनके ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय प्रेशर होता है कि जब आप 80-20 की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, तो चूंकि वो दबाव, ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रेशर दबाव की वजह से इनको ये बात करनी पड़ रही है। इधर भाई ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रेशर है ये बता दीजिए जरा। अरे देखा नहीं का नूपुर शर्मा के मामले में? अच्छा। पूरे देश देखिए भारत है, और भारत यहाँ अब यहाँ मोदी जी और योगी जी, सुनिए गौरव जी मैं बता रहा हूँ, सुनिए बहुत गंभीर सवाल उठाया, इसका जवाब में सुनिए जी। ठीक, गंभीर सवाल उठाया। देखिए ये देश है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और जब आप दुनिया के सामने खड़े होते हो तो दुनिया के सामने आपको भारत की हैसियत से खड़ा होना पड़ता है। हाँ। और भारत के एक एक व्यक्ति के कल्याण की बात करनी पड़ती है। हाँ। आप वहां जब दुनिया के पैमाने में आप अपने सर को उठाते हो तो वहां हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, ईसाई अच्छा। नहीं चलता है, सिख नहीं चलता है, बौद्ध जैन नहीं चलता है। अच्छा। वहां तब आपको जवाब देना पड़ता है कि आपने देश में क्या लोकतंत्र को जिंदा रखा है, क्या भारतीय संविधान को माना है, तो आपने समाज के सर्वहारा वर्ग को क्या दिया है? उसके लिए ये बताएंगे बड़े गर्व से, उत्तर प्रदेश में भाई मैंने 25 मदरसों का स्तर सुधारने का काम किया है। अरे सर मानी चाहिए, मैं 30,000 पर कुछ नहीं बोले हैं। ये कितने हिंदू बेटियों को दिया इन्होंने, घुमा ले गए, जलेबी बना दिया इन्होंने, सभी तो हिंदुओं का है, बचा गया है खाली। 30,000 में आपको इतना दर्द हो रहा है? अरे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? चाहते नहीं। अरे आज तो आपकी भी सरकार सेंट्रल ले गई, यूपी तक है, सभी कुछ आपका है। आप क्यों पूर्व में जा रहे हैं? माजी में ना जाइए, वर्तमान में रहिए। आज देखिए पूर्व में ना जाइए, वर्तमान की बात करिए। देखिए हमारे ऊपर आरोप लगता है गौरव जी, हमारे ऊपर आरोप लगता है, जरा पूछ लीजिए आमिर भाई से, अभी सिया कॉलेज में रोजगार मेला किसने लगवाया था? लगवाया और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लगवाया था। बता रही तो अच्छी बात है, अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते शाही जी, अच्छा। ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, तो सिया कॉलेज अल्पसंख्यक के नाम पर सबसे ज्यादा सबका विकास की बात करते हैं। अश्वनी जी सबका विकास की बात करते हैं। देखिए अच्छा। सबका साथ सबका विकास, तो अश्वनी जी बड़ी साफ सिफाई, एक बड़ा छलावा साबित हुआ है। अच्छा। नहीं, सबका विकास सबका साथ नहीं हुआ, नहीं हुआ। छलावा आपके मात्र लिए हुआ होगा। 8-9 साल में 47,000 नौकरियां दी है प्रदेश की, प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद देकर दोबारा पहुंचा दिया। हमारे लिए तो अच्छा, हमारी जनता के लिए अच्छा है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कही थी मोदी जी ने, 18 करोड़ नौकरियां दे, 18 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जानी चाहिए थी, और मात्र 47 साल में सिमट गए। आप बताइए, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है अश्वनी जी? हमारे पास सारे आंकड़े हैं, कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ नारे हैं, ज्यादा और नारों से किसी का पेट नहीं भरता है अश्वनी अच्छा, जी अच्छा, पेट भरता है रोजी रोटी से, रोजगार से। अच्छा, तमाम युवा बेरोजगार हो गए, तमाम अपराध इसीलिए बढ़ गए बेरोजगार होने की वजह से। अश्वनी जी उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म कर दिया, कौन सा अपराध खड़ा है? क्या आशा खत्म कर दिया? ये कांग्रेस करते करते आपने देश को रोजगार मुक्त कर दिया, आपने स्वास्थ्य मुक्त कर दिया, आपने विकास मुक्त कर दिया देश को। आप बिलाप करते रहिए, जनता देती है, आप बिलाप करते रहिए। अच्छा कैसा आमिर भाई, अश्वनी जी, गौरव जी, अश्वनी जी से मैं एक बात पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश को कह रहे अपराध मुक्त कर दिया। हाँ। थाने के अंदर दरोगा बलात्कार कर देता है। हाँ। माँ कंप्लेंट कराने जाती, दूसरी बार बलात्कार कर देता है। अपराध अश्वनी जी सही कह रहे हैं, अपराध मुक्त कर दिया, अपराधी थाने चला रहे हैं, बलात्कार करते थे। अरे नितेन जी,
अपराध सही कह रहे हैं, अपराधी जब थाने चलाएंगे तो अपराध तो हो जाएगा। अरे भाई सत्ता सत्ता पक्ष में कितने अपराधी बैठे हुए हैं आप बताइए, भूल गए आप उनको जी, बोले गायत्री प्रजापति को भूल गए जो अभी अभी कानपुर में बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस ने मार डाला पीट-पीट के सामने बेचारे उद्योगपति को, अब ये अपराध मुक्त बता रहे हैं, पुलिस ही अपराधी हो गई उत्तर प्रदेश की। अच्छा वो भी तो शायद आपके ही थे जी, आपके नहीं थे नितिन भाई क्या, प्रजापति जी आपके नहीं थे क्या, अश्विन भाई बोल रहे हैं। नहीं भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी अभी प्रजापति और बाकी बातें तो छोड़ दीजिए कि कुलदीप सेंगर किसके थे, चिन्मय आनंद किसके थे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार में ये थानेदार किसके हैं, जो थानेदार अभी कानपुर में रनिया में बलवंत सिंह सेंगर नाम के व्यापारी को पुलिस ने पीट पीट के मार डाला, गोरखपुर में तो मनीष गुप्ता को मार ही दिया था, थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस अपराधी हो चुकी, देखिए अभी तक लगभग अब डिबेट खत्म होने को आ गई है, लेकिन हमारे बड़े भाई अश्विनी जी ने ना तो हमारे सवालों का जवाब दिया ना ही पैनल में शामिल दूसरे लोगों के सवालों का जवाब दिया, जवाब नहीं दिया। अब मैं एक एक करके खाली कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, कोई और बात नहीं, अपना भी समय मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। क्या बात, एक सवाल मेरा ये है कि 70 महीने तक तनख्वाह नहीं दी, क्यों नहीं दी, इसका जवाब दे दे जी, क्या मंशा थी इसके पीछे, अच्छा क्यों तनख्वाह नहीं दी। ठीक, अभी एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात की, बहुत अच्छी पहल होती अगर ये जमीन पे उतरती। एक मदरसे का नाम बताएं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक मदरसे का नाम बताएं, उसका पता बताएं कि जहां पर इन्होंने कुरान तो पहले से कंप्यूटर जहां दिया। अच्छा ये दो सवालों का जवाब दे दें, बाकी इन्होंने कैसे 15 लाख रुपए अकाउंट में दिए थे, कैसे हर साल 1 करोड़ नौकरियां दी थी, 2 करोड़ नौकरियां दी थी, कैसे ये महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, कैसे ये इनका जितना जाल बवाल है ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है, आम आदमी पार्टी भी अच्छे से जान रही है, और यहाँ बैठे जितने पैनलिस्ट हैं वो भी जान रहे। दो जो दो सवाल का मैंने जवाब मांगा है, दो टूक जवाब हमको दे दे, हमारा भी समय ले लें अश्विनी भाई हमारे। अच्छा पिछले 7 साल से जनता यमुना साहब का पूछ रही है अरविंद केजरीवाल, ये रोना रोना मत रोइए, एमसीडी के अंदर जवाब दे दिया जनता ने, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि जो जो यहाँ मदरसे पे डिबेट हो रहे हैं, मारो भाई यमुना पे डिबेट रखिए, कल मैं आऊंगा जवाब दूंगा इनके एक सवाल का। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्या मदरसे पे डिबेट हो रही है, मदरसे पे जवाब दीजिए, इधर उधर की बात कर रहे हैं, यमुना पे कल डिबेट रखिए, जवाब दूंगा, आप रखिएगा, आप दिल्ली के किसी भी मामले पर डिबेट रख लीजिए, जवाब दूंगा, आज मदरसे पर सवाल जवाब हो रहा है, मदरसे पे जवाब दीजिए, एक मदरसे का नाम बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, एक मदरसे का नाम बताइए जहाँ पर आपने कंप्यूटर दिया हो, एक मदरसे का नाम और पता बताइए मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मदरसे का नाम बताइए, एक मदरसे का नाम बताइए, 70 महीने तनख्वाह क्यों नहीं दी, जवाब बताइए ना कि आपने तनख्वाह क्यों नहीं दी, मैंने तो स्कूलों का नाम बताया, शिक्षकों को तनख्वाह स्कूल में तनख्वाह नहीं दी, तिलक रहे अरविंद केजरीवाल क्यों कटोरा लेकर केंद्र सरकार के पास जाते हैं, बिजली बोर्ड घाटे में, पानी का बोर्ड घाटे में, क्यों घाटे में भाई, तनख्वाह क्यों नहीं, क्यों घाटे में, क्यों नहीं देते आप तनख्वाह, सवाल पर आपने कंप्यूटर दिया, पहला पत्थर वो उठाए जिसने पाप न किया, आप लोग इतने बड़े पापी हैं, आप लोग इतने बड़े पापी हैं कि पत्थर उठाने की आप लोगों की औकात है ना। अरे मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, आम आदमी पार्टी के जितने पापी तो डिबेट कर लीजिए, जवाब दीजिए, इधर उधर की कोई बात नहीं, सुनी जी बोले बोले, इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ दो सवाल मैंने पूछे उसका जवाब दीजिए, मदरसों से संबंधित, भाई मैंने तो स्कूलों के आपके नाम गिनाए, उसके तनख्वाह क्यों नहीं दिया वो भी तो बता दीजिए, रख लीजिए डिबेट जवाब देंगे, आज पर बात हो रही है, भागी है बात, मदरसों पे बात हो रही है, एक मदरसे का नाम बताइए, फिर मैं बताता हूँ, दिया है कहीं नहीं दिया है, बताइए फिर मैं बताता हूँ, कुछ नहीं आपने दिया है, सिर्फ
बात बताइए क्यों भाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जुमले फेंकने का काम किया आप सरकार की बात आप कर रहे हैं मैंने पूछा आपने क्यों नहीं दिया को ठीक कर ये जुमले आप बोलते हैं दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं मिला इतने सालों में कि बिजली व्यवस्था के नाम पर धोखा हो रहा है बात नहीं है कि कानून व्यवस्था को ठीक कर ले गंगा यमुना पाप नहीं हो रही है और यहां पर सवाल पूछने चले आते हैं आप लोग आम आदमी पार्टी आके करेगी सवाल पूछने का हक आपको नहीं है आपके अपराधी मंत्री अभी जेल में है क्यों है उनको कब क्यों नहीं हटाया आपने उन चोरों को क्यों नहीं हटाया जो आरक्षी अपराध करके जेलों में है पहला ये दुरप्पा की पार्टी वाले चोरी की बात करेंगे बताइए रेड्डी को पालने वाले लोग चोरी की बात करेंगे व्यापम घोटाला करने वाले लोग चोरी पर बात क्यों नहीं हटाया आपने आपका चोर बैठा हुआ है वहाँ पर अरे आप ये दुरप्पा की पार्टी वाले उसको हटाया क्यों नहीं आपने पार्टी वाले मुकुल राय की पार्टी वाले हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी वाले व्यापम घोटाले वाले खातों में हेरा फेरी पकड़ी गई है कर्नाटक स्कूलों में तनखा आपने क्यों नहीं दिया वो बताइए हमको तनखा क्यों नहीं दिया ये बताइए आपने उन कॉलेजों में तनखा क्यों नहीं दिया जो भ्रष्टाचार का अड्डा है आपने तनखा क्यों नहीं दिया वो बता दीजिए हमको तनखा आपने दिल्ली के कॉलेजों को क्यों नहीं दिया दो सवाल का जवाब नहीं दे पाए भाग रहे हैं भाई आप बताइए आपने क्यों नहीं तनखा दिया आपने जवाब दिया उसका कह दीजिए आपने भी नहीं जवाब दिया प्रभु दे दीजिए मैं देता हूँ अच्छा आप दे दीजिए मैं देता हूँ जवाब मैं दूंगा मैं तो कह रहा हूँ जवाब दीजिए मैं देता हूँ पंजाब अरे वापस जवाब पूछ रहे हैं आप जवाब छोड़ केजरीवाल की तरह रणछोड़ मत बनिए केजरीवाल जो है रणछोड़ है उनके तरह मत बनिए रणछोड़ है आप बताइए केजरीवाल रणछोड़ है क्या क्यों नहीं दी इमरान भाई अब सीना ठोक के कह रहे हैं आएंगे देंगे देंगे जैसे दिल्ली में स्कूल दिए अस्पताल दिए जैसे पंजाब में स्कूल देंगे वैसे कौन तनखा कब देंगे दिल्ली के स्कूलों में तनखा कब देंगे सीना ठोक के कह रहे हैं दिल्ली के कच्चे से पक्का कब करेंगे नौकरियों को आप बताइए स्कूल देगी ठीक है ठीक है अस्पताल देगी ठीक है समय कम है ठीक है नितिन भाई आप भी मुस्कुराते कुछ बोल रहे थे इमरान भाई और अश्विनी शाही भाई के बीच युद्ध लंबा चल रहा था आप भी मुस्कुराते कुछ बोल रहे थे बोल दीजिए भाई नितिन भाई मैंने कहा आज आपने तीन मुद्दों पर एक डिबेट रखी थी जी एक मुद्दे पे पूरी डिबेट खत्म हो गई और इस मुद्दे पर जो एक सवाल सबने किया ठीक कि आपकी नियत पर ठीक नीति और नियत दो सवाल होते हैं राजनीति में अच्छा आपकी नियत पर सवाल किया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर बौखला गए एक सीधा सा सवाल है कि आपने दो टर्म आप सरकार यहां चला रहे हैं केंद्र में भी आपका दूसरा टर्म पूरा होने जा रहा है आपने 70 महीनों तक तनख्वाह क्यों नहीं दी कितना सरल सवाल है आप कारण नहीं बता पाए ये दूसरा सवाल है कि आप एक भी कंप्यूटर क्यों नहीं दे पाए 8-10 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं 9 साल हो रहे हैं एक कंप्यूटर नहीं दे पाए आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो इसका सीधा सवाल है आज की नई युति बनी है क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की नितिन भाई आप जवाब दो ना नितिन भाई अश्विनी भाई बोल रहे हैं आप हमारी पार्टी प्रवक्ता है क्या बोल रहे हैं आप हमारी पार्टी प्रवक्ता है क्या नितिन भाई अश्विनी भाई बोल रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता हूँ अच्छा सवाल आम आदमी पार्टी नहीं होता है आप के सवाल को आगे आपके पास सवाल पूछ रहा है कि आपने सवाल किसी का भी हो अगर विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष का सवाल रहेगा अच्छा ये सवाल मैंने पहले किया था उस बात को आम आदमी पार्टी ने भी आगे बढ़ाया सबसे पहले शुरुआत में नहीं बताया सरकार की नियत पर सवाल उठाए थे मैं उस नियत को आज सामने ले आ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे तो बता दो आपने तो पूछा हमने तो 30,000 दिया डंके की चोट पे कहता हूँ खाकी झोंक के कहता हूँ कि हमने 30,000 रुपए दिया उस वर्ग के बेटी के सम्मान में उसको आगे की शिक्षा देने के लिए दो कंप्यूटर देने की बात नहीं कर पा रहे हो आप पहले राउंड 25 देंगे 500 की बात क्यों नहीं कर रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी नियत खराब है लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हो आपने जो अपराध की बात की थी मैंने आपसे सवाल पूछा था इस सवाल का जवाब दोगे क्या आपके थाने के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर खिसक गया है मानवाधिकार का संरक्षण का उत्तर प्रदेश में बचा है क्या उत्तर प्रदेश से अच्छा व्यापारी को पुलिस उठा के ले जाती है पीट पीट के मार डालती है क्योंकि कहां का न्याय है बताइए जरा इसका जवाब दीजिए वोट परसेंटेज अभी 4 दिन पहले पार्टी के तरफ बढ़ रहा है कानपुर के देहात का मामला है रनिया के अंदर
बलवंत सिंह सेगर नाम का व्यापारी हाँ। जिसको पुलिस ले जाती है और पीट पीट के मार डालती है हाँ। क्या मानवाधिकार संरक्षण का है मामला नहीं बनता? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है बताइए, उस महिला को क्या दिया, उसके परिवार को क्या दिया? मुख्यमंत्री आवास के मुख्यमंत्री जवाब दे दीजिए ना, टाइम काट लो, एक जवाब इसलिए नहीं दे पाए, आगे देंगे, आज वादा करो एक महीने के अंदर दे दोगे आप लोग? आप मदरसों का चलाए हैं, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हो, उसको याद है? उसको अच्छा सा माहौल देने की बात करो, आज टीवी में डिबेट में बैठ करके वादा करो कि क्या एक महीने के अंदर सारे शिक्षकों की तनख्वाह दे दोगे, उनको कंप्यूटरीकृत कर दोगे, उनको आधुनिकीकरण कर दोगे? अरे कर तो रहे, 25 बार कर रहे हैं, पूरे सरकार का कार्यकाल इस गाने को गाते गाते कर देंगे, ये वो दौर नहीं है। पहले चरण में कर, ठीक है ठीक है ठीक है। आमिर सबरी भाई आखिरी कमेंट लेते हैं, आमिर सबरी भाई बोलिए क्या बोल रहे हैं? देखिए गौरव जी, बात ये नहीं है, बात सीधी सीधी है कि सिर्फ अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा सामने आया है वो सिर्फ हाँ। और सिर्फ हवा हवाई है, लफाजी है। अच्छा, देखिए इन्होंने दो करोड़ प्रति वर्ष की बात की, सरकार कैसे बना रही है? सरकार तो भावनात्मक मुद्दों के ऊपर बन रही है ना, हिंदू मुस्लिम पे बन रही है। अच्छा, जैसे अब यशवंत जी का वावा किया, बिल्कुल सच्चाई है। आप बराबर मुस्तकिल 3 साल से डिबेट सही हो रही है कि आप ज्ञान वापी पे हो रही है, बाबरी मस्जिद पे हो रही है, हिंदू मदरसों पे हो रही है, पाकिस्तान, ये सारे मुद्दे ही इनको फायदा पहुंचा देते हैं। मुस्लिमों का वोट क्यों बढ़ जा रहा है हमारा? क्या मुस्लिमों का वोट हमारा 7-8% कैसे हो गया? अगर थोड़ा अंडर स्टूडेंट को 17 में 7%, अरे इसको अंडर स्टूडेंट आम आदमी जान रहा है क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? अरे क्यों बढ़ रहा है? अरे गुजरात में 99 से 157 पे आ गए, कैसे आए पूरा देश जान रहा है। अच्छा। और हिमाचल में बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। देखिए अश्वनी, अरे ध्वस्त क्या, 0.9% कम हुए, ध्वस्त क्या हो गया भाई? 0.9 पे सारा खेल खत्म, मायावती की एक सीट रह गई, वोट कम हुआ। अरे थोड़ी है, 13% वोट आने के बाद मायावती की एक सीट रह गई, तो ये ना छोड़ दीजिए, ये आंकड़ों वाला मसला छोड़ दीजिए। हम यही कह रहे हैं कि हम धरातल पे बात करते हैं और लागर के जीरो टॉलरेंस की बात चलती है, अपराध देखे तमाम चरम पर है गौरव जी, लेकिन आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप फिर समझिए अपराधी जब थाने चलाएंगे तो अपराध सड़क में कहाँ रहेगा? ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी कि मदरसों में जो एक अलग व्यवस्था शुरू होने जा रही है कि NCERT के पाठ्यक्रम वहाँ पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर गणित अंग्रेजी विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, उनको बच्चों को रोजगार परक शिक्षा सिखाई जाएगी, क्योंकि अगर वो दिली शिक्षा ले रहे हैं तो उसके साथ साथ ये शिक्षा भी सीखे जिससे वो विकास की मुख्य धारा में और जो रोजगार पर शिक्षा है उसको ले सके और साथ साथ उनका जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़े। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण थी और चर्चा पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी हुए, यहाँ पर ये भी कहा गया कि अगर नीयत अच्छी है तो शायद बेहतर करेंगे, पर नीति खराब है। अब नीयत अच्छी है कि नीति खराब है ये सरकार जानती है या मदरसों में पढ़ने वाले छात्र या फिर जनता जनार्दन? फिलहाल हम तो हमेशा यही देखा करते हैं कि यहाँ पर चर्चा केवल डिबेट पे होती है, आरोप प्रत्यारोप केवल डिबेट पे होते हैं और जमीनी स्तर पे केवल बहुत कम पार्टियाँ ऐसी होती है जो संघर्ष करती है, जो संघर्ष करता है वही बदलाव करता है। कहा जाता है ना कि सिरपरे ही बदलाव करते हैं, आम आदमी सामान्य की क्षमता की बस की बात नहीं है। तो अगर वास्तव में आप चाहते हैं बदलाव हो या वास्तव में चाहते हैं कि जनता की बात हो, जनता के मुद्दे उठाए जाए, तो थोड़ा डिबेट से हटकर सड़क पर भी आइए, तभी कुछ बेहतर होगा। अन्यथा चलता है, चल रहा है वो चलता रहेगा। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।